बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री करमेती बाई जी, ऐसा स्वरूप है प्रभु की आशक्ति का, इनका आश्चर्य होता है। ऐसा तो केवल भगवत अवतारी महापुरुषों में ही प्रेम होता है। कैसा समर्पण प्रभु के प्रति, कैसा त्याग, और ये हुआ है भगवत चर्चा श्रवण से। शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की ये पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान। अब परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा ही करते रहते थे। भगवत नाम कीर्तन, भगवत चर्चा का प्रभाव होता है। अब प्रगट भी उन्हीं से हुई और बचपन से बैठ करके भगवत चर्चा सुनती रही, कैसे कोई बच पाएगा। भगवत चर्चा नियम से सुने और महाभागवत के घर में जन्म हुआ, कैसे कोई बिना भक्ति के रह सकता है। उनके हृदय में चर्चा सुनते सुनते एक बात बैठ गई बाल्यावस्था में, कि प्रभु श्याम सुंदर ही अपने जीवन साथी हैं और तो सब मायाकृत है। पर क्या है कि लोक व्यवहार का, समाज में जीने का बड़े बड़े विद्वान आदर करते हैं, कैसे जिया। ठीक है वो अंदर का भाव, पर बाहर से तो पहले क्या था कि हमारी पुत्री पवित्र रहे और इसका जीवन पवित्रता पूर्वक निर्वाह हो, इसलिए यौवन अवस्था के आने के पहले ही ब्याह कर दिया जाता था। ब्याह हो के वो ससुराल नहीं जाती थी, माता पिता के पास ही रहती थी। अभी किशोर अवस्था की तरफ पदार्पण हुआ और ब्याह हो गया, निश्चित हो गया तुम्हारा है पति, ब्याह। अब अपने मन को एक सही रास्ते पर, सही दिशा पे चलाना है। पति पत्नी का संयोग नहीं, वो जब यौवन अवस्था का 18-20 इस पे गवना होगा, पर ब्याह 10-12 इतने पे ही हो जाता था, क्योंकि वो पवित्र बनी रहे, उसकी मन की धारा एक धर्म पूर्वक चले, ऐसी पहली मर्यादा थी। ऐसा ही करमेती बाई के साथ हुआ, ब्याह तो पहले ही हो गया, पर अब जब ये 16 वर्ष की हुई तो इनके गवने का संबंध ससुराल भेजने के लिए, तो उनके ससुराल पक्ष के लोग आए। बड़ा उत्साह हुआ परशुराम व्यास जी को, बेटी का अब गौना होगा। और राजपुरोहित थे, धन की कोई कमी नहीं थी, सुंदर सुंदर आभूषण पोशाकें खरीदी जाने लगी। जब इनकी ये बात पता चली कि कल ससुराल चली जाएंगे, ये भगवत कथा जो आज बचपन से लेकर अभी तक सुनती रही ये छूट जाएगी। उनको पता था ससुराल पक्ष में एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोला जाता, वहां कोई भगत नहीं, बस वही संसारिकता है, कैसे जीऊंगी। प्रभु की चर्चा नहीं, ये व्यास जी चर्चा करते थे इसलिए संतों का आगमन होता रहता था, तो दिन भर भगवत चर्चा चलती थी। परशुराम जी चर्चा बंद किए तो संतजन परस्पर चर्चा कर रहे, बच्चे पन से सुनती रही। अनुराग इतना श्री कृष्ण से बढ़ गया था कि अब चर्चा के बिना जी नहीं सकती। बावरो सुरस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा पंचा कोई प्यारे की बस बात सुनाता रहे, ये प्रेमी जन ही जानते हैं। अब उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि अभक्त के घर जाना होगा, वहां किसी भी तरह की भक्ति नहीं। अब क्या करूं, शरीर तो स्त्री शरीर है, जाना ही पड़ेगा। अगर भाव भजन भक्ति नष्ट हो रही तो ऐसा जीवन किस काम का। और ऐसा पति, आज किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे, काली बुढ़ाए होए जर जर तन, जगरत मोह न त्यागे। आज धनी कल रंक, आज है फिर है नाही, करिए से सो प्रेम होए नहीं, सुख जग माही। आज सुहागिन बनके फूली,
भूली जग सुख पाई, काल अभागिन बन के रोवती नाते ये दुखदाई। याते बली बैरागिन बसिए वृंदावन रज धानी, परम पुरुष सर्वेश्वर नागर पति सब दिन सुखदानी। विचार किया करमेती जी ने कि आज तो किशोर अवस्था का पति बड़ा सुघ अच्छा लगेगा और कल इसका रूप बिगड़ेगा, कल बुढ़ापा आएगा, ये जर्जर होगा, मोह से रात दिन पिशा, जीव कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। आज इसका सुहाग भर के फूली फूली, कल विधवा होगी, मरेगा, ये मरण धर्मापति है। आज धनी है, कल भिखारी हो सकता है। ऐसा क्या बरवर हूं ऐसे पति के लिए परम पति का त्याग कर दूं? नहीं, अब तो बस जीवन का सार यही है कि नंद नंदन हमारे पति हो और उनकी राजधानी वृंदावन हमारा घर हो, वही हमारा जीवन हो। ये समय से आज जवान है कल बूढ़ा होगा, आज जीवित है कल मरेगा, क्या ये विचार उसी के आ सकते हैं जो भगवत अनुराग में है। भगवत चर्चा सुनते सुनते प्रभु में ऐसा अनुराग हो गया कि ये परम हंसों की सोच है, ये गृहस्थों की सोच नहीं है, ये किसी स्त्री की सोच नहीं है, ये भगवत प्रेमी महात्मा की सोच है, किसी दूसरे जी, ये मीरा जी की सोच है जो करमेती जी के अंदर है। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे मर जाए, क्या इसको? करमेती जी ने विचार किया, ये जन्म मरण द्वंद दुख सुख संपत्ति विपत्ति कर्म काल, ये घर परिवार पति पुत्र, ये स्वर्ग नर्क के सब माया का प्रपंच है, ये सत्य नहीं है, मोह मूल है, ये परमार्थ नहीं है। इसका त्याग करके निरंतर प्रभु के चिंतन में लगे रहना, यही जीवन की सार्थकता है। वो मन में अपने श्याम सुंदर को बिठा करके सुंदर अर्चना वंदना अर्थात मानसिक सेवा में भी तन्मय हो जाती थी। मन और बुद्धि का जब प्रभु में समर्पण हो जाता है, फिर उसकी एक भी वृत्ति ऐसी नहीं रहती जिससे वो संसार का पोषण कर सके, एक भी वृत्ति नहीं रहती। भगवत इच्छा से शरीर चलता रहता है पर उसकी वृत्ति नहीं रहती, संसार के लायक नहीं रहती, वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माता पिता के मन में तो बड़ी प्रसन्नता है लेकिन करमेती जी के हृदय में भारी क्षोभ हुआ। सुबह जाना है पर वो सोच भारी, कहा कीजिए बिचारी, हाड़ चाम सो सवारी, देह रति के नकाम की, ताते देवों त्यागी, मन सोवे जन जागी, अरे मिटे उरदाग, एक साची प्रीति श्याम की, लाज कौन काज जो पे, चाहे ब्रज राज सुत, बड़ोई अकाज जो पे, करे सुधी धाम की, जानी भोर गौनो होत, शानी अनुराग रंग, संग एक वही चली, भीजी मति बाम की। अब तो सुबह जाना ही है ससुराल, विचार में डूब गए, हमें क्या करना चाहिए? ये हड्डी और चमड़े से ढका हुआ ये शरीर बिना भगवत साक्षात्कार के छूट गया तो किस काम का रहा मनुष्य शरीर प्राप्त करना? इस शरीर को ही त्याग देना चाहिए। अगर प्रभु से विमुक्ता हुई तो मैं कैसे जी पाऊंगी? बहुत विचार आने लगे, क्या करूं? अरे मन तू जाग,
सो मत, अब मत सो, ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। हाँ, ये चर्चा सुन के भाग पड़े घर से, ऐसे नहीं, स्थिति होनी चाहिए। बिना स्थिति के लिए मनमानी आचरण भ्रष्ट कर देगा, ध्यान रखना। लौकिक हार चाम का पति नहीं, अब तो श्री कृष्ण दिव्य बपू। अभी तक कहीं कोई संसार के सुख का संयोग नहीं है। बाल्यावस्था से भगवत चर्चा सुनते हुए भगवत अनुराग में स्थित है। हृदय में निश्चय कर लिया, अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण है। करमैती जी का निश्चय पूर्ण हुआ, भाग चलो, ऐसा ही होता है, भागो भागो इस संसार से, प्रभु के अनुराग में डूबो। ये भगवत कृपा से ही होता है, ये सिखाने पढ़ाने से नहीं होता। ये सिखाने पढ़ाने से मरकट वैराग्य होता है। हे बाबा जी बन गए अनुकूलता के लिए, भोगों के लिए, और जहां प्रतिकूलता आई तो ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत है नाच, फिर मनमानी आचरण। ये मार्ग ऐसों का नहीं है, ये प्राणों की बलिहार करके चला जाता है। अब हर कष्ट हमारे लिए सुंदर सुंदर सुख सामग्री होगा, हर विपत्ति, हर अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये हमारी पूजा होगी। हम इस मार्ग में इन्हें पूजा की तरह स्वीकार, जैसे लोगों की पूजा होती है सुख पूर्वक सहते, ऐसे ही सुख पूर्वक अपमान निंदा सब कष्ट सहेंगे, पर हम अपने इस प्रेम के पथ से कभी डिगेंगे नहीं। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निवहत नाई, ये सबके वश की बात नहीं, सब कोई कर सकता है, पर भगवत आश्रय और इतना दृढ़ कि बस अभी प्राण चले जाएं तो कोई परवाह नहीं, ऐसी स्थिति। करमैती जी ने देखा कि सब सो गए, आधी रात का समय है, माता पिता को मन से प्रणाम किया और श्री कृष्ण की याद करके आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। वाह बहादुर, यह है बहादुर, इसे बहादुरी कहते हैं। पति के मिलन की सुबह वेला है, संसारिक सुखों की भरमार है, क्योंकि राज पुरोहित है, नवीन अवस्था है, स्त्री शरीर है, ये बहादुर चल पड़े। अब तो जो कुछ हो, नंद नंदन के शिवा, प्रभु के शिवा हमारा कोई नहीं। मैं चली री तहा जहां मोहन मुरली मधुर मधुर धुनी बाजरी, जमुना पुलिन सुभग वृंदावन मोहन मदन बिराजरी। कैसा सुख होता है जो उपासक एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर सारे संबंधों को तृण की तरह तोड़कर जब कदम बढ़ाता है। सच्ची सच्ची भगवान ऐसे गोद में ले लेते हैं उसे, केवल भगवान ही उसकी बात को जानते हैं, और वो केवल भगवान की कृपा को ही समझ पाएगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। मैं चली री तहा, कैसा अनुभव हो रहा होगा जब अर्धरात्रि का समय है, सारे संबंधों को तोड़कर अभी तक घर के बाहर नहीं निकली थी, जानती नहीं वृंदावन कहाँ है, कहाँ क्या संसार का स्वरूप है, नंद नंदन को हृदय में रखकर चलो वृंदावन। मैं चली री तहा जहां मोहन, वो उपासक कह रहे हैं, उस समय की स्थिति को सोचो जरा, सारे सुख एक तरफ है, सारे संबंध एक तरफ है, जानती नहीं वृंदावन किस दिशा में है, कहां है, अभी तक बाहर ही नहीं निकले, राजपुरोहित की पुत्री अर्थात राजकुमारी की तरह पोषण हुआ है, सारे सुखों को तिलांजलि देकर। हाँ, नारी मुरी घर संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ये तो बात अलग है, विपत्तियां हैं, बड़ी समस्याएं हैं, चलो एक मार्ग है, बाबा जी बन जाते हैं, खाने पीने की मौज रहेगी, कोई मेहनत नहीं करना, बड़ा मस्ती चार प्रणाम करेंगे, ये सब ये इन पथिकों का मार्ग है जिन्होंने ब्रह्मादिक के भोगों को भी ठुकरा दिया, मृत्यु लोक के भोगों की क्या बात, अपने प्यारे के लिए जिन्होंने जीवन न्योछावर कर दिया। मैं चली री तहा जहां मोहन मुरली मधुर मधुर धुनी बाजेरी,
जमुना पुलिन सुभग वृंदावन मोहन मदन बिराजेरी सजन नील घन श्याम बरन तन लसत दामिनी छाजेरी मोर मुकुट की शोभा बरनो इंद्र धनुष दुति लाजेरी। ये शो अभी चली है, कदम निकाला देख लो श्याम सुंदर बस गए मानस पटल, कोई उनके लिए कदम निकाले और फिर वो सिक्का साथ न दे ऐसा नहीं होता, चल दिए। उन्होंने कदम उधर निकाला और वृंदावन बिहारी उनके मानस पटल पर, आ चल मेरी रूप माधुरी ले चलेगी तुझे मेरे धाम, देख रहे सजल नील घनश्याम शोभा प्रभु की मोर मुकुट की अद्भुत शोभा। घूंघरवारी अलके झलके चंदन तिलक ललाटरी अमल कमल दल मंजुल नैना जोवत है मम बाटरी कुंडल किरण कंठ कौस्तुभ मणि आनंद मुख्य प्रकाशीरी देखे बने वह चरण धरन गति कौतुक कुंज निवासीरी। एक खास बात इसमें कह रहे अमल कमल दल मंजुल नैना जोवत है मम बाटरी। प्रभु ऐसे देख रहे मानो आज तक आपका इंतजार करता रहा, आप आ रहे स्वागत है आपका, मेरा रास्ता देख रहे। अगर आप प्रभु के लिए रास्ता देख रहे हो तो प्रभु आपका रास्ता दे कि आप एक कदम निकाल के तो देखो मेरे लिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुंदर प्रभु की शोभा। जाको मन मिल रहे कृष्ण सो ताकि अकथ कहानी री कहे भगवान हित राम राय प्रभु सुमिरन मांझ समानी री। प्रभु के ध्यान में उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए घर से निकल पड़े। श्याम सुंदर की भावना उनकी मधुर मूर्ति का दर्शन करते हुए आधी रात को घर से निकले। मन में तरह तरह के प्रेम तरंगे उठ रहे हैं, वृंदावन जाऊंगे प्रभु मिलेंगे, जब मिलेंगे तो दौड़कर उनके गले से लग जाऊंगे, वो जब हमारे गले से लगे हा कितना आनंद अनुभव होगा, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान मुझे गले से लगाए, हम उनके चरणों में लिपट जाए। एक सामने वो रूप है और ये प्रेम तरंगे और कदम बाहर निकल। देखो ये किसी साधना से नहीं होता, आश्रय से एकदम प्रभु के भरोसे कदम निकले तो प्रभु छा गए। ये बात है, ये जो इतने वर्ष हो गए भजन करते हमें अभी भगवान नहीं मिले या आनंद नहीं मिला या हमारी मानसिक दशा नहीं पटली, तुम खुद देखो भरोसा किसका लिए हो, प्रभु का भरोसा लिए हो, अपने शरीर का अपनी बुद्धि का अपने आचरण का अपनी साधना का, तो आओ फिर उसकी कसौटी है उस पर कसो और एक भरोसा तो कदम निकालते ही। देखो ऐसा करना नहीं है, इसमें निष्ठा देखिए। चिंतामणि ने तिरस्कार कर दिया, प्रभु के लिए चल पड़े, कोई रास्ता नहीं। कुछ दिन चले, गुरु कृपा हुई, भजन में लगे, फिर एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, वो वैसे ही फिर फंस गए, फिर उसके पीछे पीछे गए, फिर अरे धिक्कार है नेत्रों को फोड़ लिया। ये अनुकरणीय बात नहीं करे, यहां निष्ठा की बात देखनी है। बस इन्हीं नेत्रों ने तो मुझे प्रभु से बिलक किया, चल दिया। कोई साधना करनी पड़ी, हाथ पकड़ लिया, जे भी गिरे गिरे क्या, वो प्रभु अनुभव करा ला था, हाथ पकड़ के निकाल। अब वो विचार करें इतना लंबा हाथ किसका हो सकता है जो मुझे कुएं से निकाल ले हाथ पकड़ के, अजान बाहु तो भगवान ही हो सकते। अब वो ऐसे पकड़ने कोई भगवान छुड़ा ले, हाँ बोले ठीक है छुड़ा लो, हाथ छुड़ा करके तो तुम जा सकते हो, नौ किशोर हो, मेरी इतनी सामर्थ्य का है, पर हम तुमको भी कह रहे हैं
कि तुम मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तो तुम्हें फिर हम जाने बड़े बलवान हो तो। हाँ ये बात छुड़ाए जात हो निबल जाने को, हृदय ते तब जाओ तो तुम्हें सबल सराओ, तुम्हें तब मानू बलवान जब निकल जाओ हृदय से। अब आज ये स्थिति, हृदय में श्याम सुंदर बसे हैं, प्रेम तरंगों में कदम बढ़ते चले जा रहे हैं वृंदावन की, किधर है कुछ पता ले वही ले जा रहे हैं, आंखें फोड़ ली हाथ पकड़ के वृंदावन ले जा रहे हैं, भाव में ठाकुर जी बसे ले जा रहे हैं। कभी वृंदावन नहीं गई, कभी कोई रास्ता नहीं जानती, नगर का रास्ता नहीं जानती, राजकुमारी की तरह पालकी में चलने वाली राजपुरोहित की पुत्री है। अब प्रातः काल इनका नियम था, जब ये शैया से उठती थी तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, भक्तों का स्वभाव होता है। जैसे विभीषण जी उठे तो प्रभु का नाम कीर्तन, हनुमान जी को पता चल गए वहां भागवत है, क्योंकि उठते ही नाम उच्चारण करना ये मां भागवत का लक्षण होता है। कोई आवाज ही कमरे से नहीं आई, उनकी मां का नियम था, जैसे कुछ लोगों के अलार्म की घंटी की आवाज से नेत्र खुलते, उनकी मां के नेत्र खुलते थे करमैती बाई के नाम कीर्तन से। आज नाम कीर्तन ही नहीं, सोचा रिश्ते नातेदार आए, शायद वो विलंब से सोई होंगी, वहां कमरे में गई तो करमैती बाई नहीं। अब तो हलचल हुई हृदय में कि रिश्ते नातेदार, अब पूरी खोज पूरे घर में नहीं, हाहाकार मच गया, करमैती कहां गई पता नहीं। माता पिता को बड़ा दुख हुआ, सबसे बड़ा दुख की ससुराल वाले क्या उत्तर, लड़की भाग गई, कहां भाग गई, किसके साथ भाग गई, क्या कैसे उत्तर, ये लोक व्यवहार बड़ा विचित्र होता है। उन्होंने जहां तहां ढूंढा पूरे नगर में, बहुत से दूतों को दौड़ाया, क्योंकि राजपुरोहित थे, सूचना तुरंत राजा के राज सैनिक भी लग गए तुरंत खोज की, क्योंकि मतलब ये सबसे बड़ा अपमान लोक में माना जाता है कि ससुराल वाले लिवाने और लड़की भाग गई। अभी प्रमाण कैसे दे कि श्री कृष्ण को लेके भागी है या संसार के राग, कौन उनको बतावे, ससुराल वाले वैसे ही भक्त नहीं थे। करमैती बाई जी ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों से आते दिखाई, उनको लगा कि पिताजी का ही ये भाव होगा, क्योंकि उनके सब अनुकूल हैं, राजा तो सब सैनिक मुझे ही ढूंढने के लिए आ रहे होंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो बिल्कुल समीप आ रहे हैं। तो वहीं एक मरा हुआ ऊंट का कंकाल था, ऐसे गीधों ने मांस खा लिया था, चमड़े से ऐसे ढका हुआ कंकाल, अंदर पूरा पोला हो चुका था, स्यार गीधों ने मांस खा लिया था, भारी दुर्गंध। अब भागने का अवसर नहीं, क्योंकि राज सैनिक घोड़ों से आ रहे हैं, तो उसी के अंदर घुस गई, मरे हुए ऊंट के ऊपर पूरी चमड़ी लगी हुई है, अंदर का मांस गीध और स्यार कुत्तों ने खा डाला है, भारी दुर्गंध, उसमें घुस गए। देखो कैसी श्री कृष्ण मिलन की चाह, भारी दुर्गंध में भी उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन संसार की सुगंध नहीं चाहिए, संसार की सुख नहीं चाहिए, वो सड़ी दुर्गंध भी उनको बहुत अच्छी लगी। हृदय में जब प्रभु का मिलन का, प्रभु के चिंतन का सतत भाव रहता है तो नरक भी नरक नहीं रहता, वो परमानंदमय हो जाता है। विषयों से कितनी घृणा हो जाती भक्त को कि यद्यपि ऐसी स्थिति में एक मिनट भी रुकना मुश्किल, आसपास कि उसके अंदर घुस करके प्रेमोन्मत्तता। देखो अभी बालिका ही कही जा सकती, 16 वर्ष की अवस्था है, इतनी भारी दुर्गंध में वो बैठी, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है कि विष भी अमृत बन जाता है, आग भी चंदन की तरह शीतल हो जाती है। और यहां दुर्गंध में उनको जानते हो क्यों दुर्गंध नहीं लगी, क्योंकि मानस पटल पर श्री कृष्ण और घ्राणेन्द्र श्री कृष्ण की सुगंध में मतवाली है, बिल्कुल दुर्गंध नहीं आ रही, आराम से उसके अंदर छुपी बैठी। तीन दिन तीन रात्रि ऊंट के खोल में, क्योंकि बराबर कर्मचारी जो राज की हैं वो खोज रहे हैं, अगर कहीं भागी तो पकड़ी जाएंगी। तीन दिन तीन रात, गजब की बात है, उस भारी दुर्गल अंदर, अच्छा वहां कोई खोज ले सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर
कर्मेति वायु, कैसे कोई उसे, वहां तो आसपास कोई नहीं जाएगा, भारी दुर्गंध है। बीते तीन दिन वा करंक ही में संक नहीं, बंक प्रीति रीति ये कैसे करी गाइए, आयो को संग ताही संग गंग तीर आई, तहां सो अन्हाई दे भूषण बन आइए, ढूंढत परशुराम पिता मधुपुरी आए, पते ले बताए जाए माथुर मिलाइए, सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक चढ़ी करी देखी भूमि असुआ भिजाई। कर्मेति जी ऊंट के कंकाल में तीन दिन तीन रात व्यतीत की, भूख प्यास दुर्गंध सबसे, यहां क्या हालत है अपनी। प्रभु को क्षण क्षण में आदेश करते रहते हैं, ये व्यवस्था ये व्यवस्था, ये अनुकूलता वो प्रतिकूलता, क्या हमारी भक्ति है। महापुरुषों के चरित्र सुनने से अहंकार का चकना चूर हो जाना निश्चित है, भक्त चरित्र यही। अहंकार को मिटाने के लिए भक्त संग, भक्त वाणी, भक्त चरित्र, दूसरा कोई उपाय नहीं। इनकी संगति रहते अब क्या भक्ति अपनी इन महापुरुषों के आगे, देखो क्या भक्ति। जैसे हम पहाड़ के नीचे खड़े हो ऐसे देखे तब लगेगा हम कि, ऐसे ही हमें लगता है हम बहुत लंबे चौड़े हैं, और जब हम पहाड़ के नीचे खड़े होते तब क्या लगता है, अरे हम क्या, ये पहाड़ हैं भक्ति के। तीन दिन तीन रात न खाना न पीना, भारी दुर्गंध में श्री कृष्ण अनुराग, श्री कृष्ण मिलन के लिए। यद्यपि हम लोगों ने इससे भी ज्यादा कष्ट सहा है, मां के गर्भ में नौ महीने जहां मलमूत्र और सब गंदे पदार्थों के बीच में रहे, पर हमको भान नहीं हो रहा। नौ महीने रहे सब कोई, रहे कहां रहे अच्छे से पता है, पर वो माया के द्वारा विस्मृति है उस दुख की। फिर हम नया गर्भ बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, फिर हमें पता नहीं किस योनि की मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। सुअर कुत्ता क्या बनेंगे, होश ठिकाने कर लो। यहां का कोई कष्ट कष्ट नहीं है यदि भजन हो रहा है, भजन नहीं हुआ तो यहां का सम्राट सुख भी सुख नहीं, वो दुख है, एक क्षण में सब मिटिया मेट हो जाने वाला है। अभी प्राण निकले क्या, सब धरा का धरा रह जाएगा। ऊंट के कंकाल में ही तीन दिन तीन रात व्यतीत हो गए, जरा भी दुख नहीं, जरा भी घृणा नहीं, जरा भी शंका नहीं, जरा भी शिकायत नहीं प्रभु से। क्यों, बोले ये प्रीति की बाकी रीति है। प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर दोष दर्शन थोड़ी करता है, हम तो निकली आपके नाम पर, मुझे यहां रुकना पड़ रहा है ऊंट के ऐसे सड़े दुर्गंध युक्त उसके पेट में, कैसे कोई वर्णन कर सकता है इस बाकी रीति का प्रेम की। चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकली, क्योंकि बराबर से ढूंढते ढूंढते हार गए। उसी समय वहीं से एक तीर्थ यात्रियों का दल निकला, नाम कीर्तन करते हुए, बड़ा सुख मिला, उनके पीछे पीछे लग गए। वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, शोरों में गंगा जी विराजमान, उनके साथ वहां गई, गंगा स्नान किया। देखो भगवान का विधान, ऊंट के शरीर में रहे, गंगा स्नान किया, फिर विचार किया ये सोने की जंजीर, ये अंगूठी, ये कंकन, ये शोभा नहीं देते भगवत मार्ग के पथिक को। तो वही जो ब्राह्मण आदि तीर्थ पुरोहित होते हैं उन्हीं को सब आभूषण जो कीमती सब उतार करके दे दिए। तहां से अनहाई दे भूषण बनाए, कैसे वृंदावन में अब कोई श्रृंगार नहीं, जो भी सांसारिक कीमती वस्तुएं थी वहां तीर्थ पुरोहित को दे दिया। अब परशुराम जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी वृंदावन बात सुनकर के विकल हो जाती थी, तो और कहीं नहीं जा सकती, वो वृंदावन ही जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, गंगा स्नान करके वहां से पूछते हुए वृंदावन धाम की उन्होंने यात्रा की। और वृंदावन धाम में जो अच्छे आभूषण आते वही उतार देते, यहां के कपड़े भी उतार दिए, बड़े बड़े पत्ते बट वृक्ष के जैसे ऐसे, उनको ऐसे
शरीर पर गीली मिट्टी ऐसे पोत ली, ऐसे लगा ली। कैसा वैराग्य, गजब का वैराग्य। पत्ते से ऐसे शरीर के स्थानों को ढक करके रात दिन भजन में लग। वृंदावन का उस समय वास अत्यंत दुर्लभ वास, क्योंकि सिंह, भेड़िया, चीते, मच्छर, सांप, बिच्छू, ये सब आवाज तो आधुनिकता का बहुत कुछ नहीं, कहीं कोई बिजली, ये सब रोड, ये सब नहीं। बाहरी लोगों का तो यहाँ आना ही नहीं, जो भगवत प्रेमी हैं वो ही कोई कदम रख सकते थे। नहीं, वृंदावन केवल उन महापुरुषों के लिए था जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में छके हुए हैं, जिनके बस कर करवा कामरी कांधे में कुंजन माही बसे हो। ये तो अत्यंत दुर्लभ रहनी है। व्यास जी ने, परशुराम जी ने विचार किया वृंदावन ही गई होंगी। वहां से आए और मथुरा में किसी चौबे ब्राह्मण के यहां रुके, वहां पता लगाया तो उनका, हां कुछ दिन से चर्चा में है कि एक नव युवती वृंदावन में आई हुई है और बड़े वैराग्य से रह रही है, तो उनका वो हमारी बेटी ही होगी। चल, अब वृंदावन में ऐसे खोजना थोड़ी था कि ऐसे, तो वो पेड़ों पर उनके साथ आए और पेड़ों पर ऊपर चढ़ करके दूर दूर तक देखते, ऐसे नहीं घूम सकते थे आप। सघन वृक्षावली, जिस समय सब आचार्य कोटि के महा, या ऐसा नहीं कि साधारण पुरुष आ सके कि आप मनोरंजन, चलो वृंदावन घूम जाते, ऐसा नहीं था। कोई प्राण समर्पित करने वाला ही आता था यहाँ। और ये भी आए मथुरा के पंडा को लेकर, तो एक वृक्ष में चढ़ गए, दूर दूर तक देख लिया, फिर किसी ऊंचे वृक्ष पे चढ़ गए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ढूंढ लो, ऐसे घूम लो। तो एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़े तो दिखाई दिया रज पोते हुए पूरे शरीर में, ब्रह्मकुंड पर कर्मेति ध्यानस्थ विराजमान है, और ऐसा ध्यान कि आंख मुंदी हुई, आंखों से अश्रु बह रहा है। वहां की भूमि भींग गई इतने आंसू, यहां दो चार बूंद आंसू गिर जाए तो अपने को हम प्रेमी छपवाना चाहते हैं। वहां दशा क्या है, कितना कठोर जीवन, ये आंखों से अश्रुओं की धार बह रही, भूमि गीली हो गई। देखो इसमें वर्णन किया है कि देखी भूमि असुआ भिजाइए, ऊपर से देख रहे हैं बट वृक्ष से, वहां की भूमि गीली सामने की दिखाई दे रही, इतना श्री कृष्ण प्रेम में अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये रंग जी के मंदिर के निकट है ब्रह्मकुंड, ये प्राचीन तीर्थ है। वत्स हरण के बाद ब्रह्मा जी ने यहीं प्रभु की स्तुति की थी, प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया, इसीलिए इस तीर्थ का यहाँ बड़ा महिमा है जो रंगनाथ जी के समीप है ब्रह्मकुंड, इसीलिए उसे कहा गया। वहां वो दूर से देखा मूर्तिमती मानो तपस्या विराजमान हो, वृक्ष के ऊपर चढ़ के देख रहे थे, सर्प, बिच्छू, भाग, बाघ, भेड़िया, हिरन, मयूर, पशु पक्षी, ये आसपास सब घूम रहे थे कर्मेति जी के। ये वृंदावन में बड़ो ही कठिन है वृंदावन में बास, महापुरुष यहाँ का मच्छर ऐसा डंक जैसे बिच्छू मारे, ऐसे यहाँ के मच्छर, पदों में लिखा है नागरीदास जी ने पदों में लिखा है, यहाँ के मच्छर मतलब वो पदों में रचना की कि यहाँ के मच्छर ऐसे थे। और ब्रजवासियों की हृदय वृत्ति बड़ी कोमल है और वचन बहुत कठोर है, हेलना पूर्वक इनके प्यार को समझ, ए रे बाबा, ए तो जैसे हजारों घूमे, चल आ रोटी खा ले, ऐसा लगेगा झगड़ा कर रहे हो, गरम गरम रोटी घी से चुपड़ी खाएं। इनके वचनों को जो है कभी अन्य भाव से न ले, इनकी जैसे गोपाल सहस्त्र नाम ऐसे इनके गालियां निकलती है मुख से, जब ये बहुत प्यार में होंगे तो दो चार गालियां ये आपको प्रसाद में देंगे, उसे कि हमें गाली दे रहा, ऐसा नहीं, ये प्रसाद है इनका, हेलन पूर्वक बात है, ऐसे बात करेंगे मानो झगड़ा कर रहे हैं, हृदय इनका बहुत, ये बड़ा कठिन है ब्रजवास करना, अगर इनका अपमान कर दिया तो श्री कृष्ण का अपमान है, बात समझो। ये भगवत पार्षद हैं, सदैव बड़े बड़े आचार्यों ने यही शिक्षा दे के अपने जनों को भेजा है, और इनकी पवित्रता पवित्रता पर दृष्टि न डाले, ब्रजवासियों के जूठ टूक और घर घर छाछ में केवल ब्रजवासियों के लिए बातें कही गई, वो किस जाति पक्ष के ये भी नहीं देखना है,
अभ्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के सोपचलो जूठन खाइए मांग, ऐसा वर्णन करते हैं। ये धाम है, संपूर्ण शरीर में ब्रज लगी हुई है, केश ऐसे बंधे हुए हैं, पत्तों की कौपीन लगाए हुए हैं, सूखे पत्तों की, हरे पत्ते भी नहीं, क्योंकि ब्रज की सब सखियां हैं ये सब, जो प्रभु की नित्य परिकर, यही सब वृक्ष के रूप में है। या आए नहीं करना चाहिए कि बाहर से नीम है दतून तोड़ रहे फाड़ा हो ऐसे, नहीं, होश में रहो, ये भगवत धाम है। बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, ऐसी चतुराई से वृक्षों को गिराया जाता है, पूछो तुम्हारी चतुराई वो जान रहे हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, एक डाल काटने का दंड है, करोड़ गौ हत्या, करोड़ ब्राह्मणों के मारने का जो अपराध है, ये ब्रज की लताएं। आज ये सब कोई ना तो सत्संग मान रहा है, ना एक लता तैयार होने में कितना समय लगता है, जो लगाते हैं वो जानते हैं, 40-40, 50-50 वर्ष होते हैं तब जाकर वो अच्छा एक वृक्ष रूप धारण करते हैं, और चंद रुपए लगाकर उस वृक्ष की पहले धज्जियां उड़ा दी, काट के फेंक दिया, नाश कर दिया, कैसे जगह जगह दी, ना तो वृक्षों की कदर रह गई है, ना वृक्ष कोई लगा रहा है। जानते हुए ब्रज है, हमारे प्रिया प्रीतम तुम्हारे फ्लेट में नहीं खेलेंगे। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहते नित्य जहां, तहा न वैभव। हाँ, चार लताएं लगी हैं नीचे, गाय के गोबर से लीप पोत दिया है, चार पुष्प और ऐसे श्रृंगारित कर दिया, भावना कर रहे प्रिया प्रीतम। ऐसा लताओं का किसी भी तरह से हम ह्रास न करें, वो पत्ते भी तोड़ के अपने नहीं नए बांध रहे, पुराने पत्ते जो वृक्ष त्याग देते वही लगा रहे। यहां एक बार एक बड़े संत थे, उनके फोड़ा हो गया था, तो किसी ने कहा कि बबूल की हरी पत्ती तोड़कर पीसकर बांध देने से फोड़ा ठीक हो जाता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि यहां ब्रज 84 कोस के बाहर जाओ और कोई वृक्ष फिर उससे मांग करके लाओ, यहां ब्रज 84 कोस का नहीं, यहां का किसी भी पत्ती को भी नहीं, ये सब श्री जी के लिए है, ये 84 कोस के, ये श्री जी के लिए डाल पत्ता जो भी टहनी उनकी शोभा श्रृंगार अपने प्रयोग के लिए नहीं है, मना कर दिया था, नहीं हमारे फोड़े में बांधने के लिए नहीं, जाना 84 कोस बाहर से लाओ, या नहीं, ये सब प्रिया प्रीतम के नित्य के लिए भूमि, एक एक पत्ता श्री जी के लिए। यहाँ वैसे भी नहीं कहते कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो, ये श्री जी के निज परिकर हैं। अब ऊपर से चढ़ के देखा, जबकि ब्रह्म कुंड में ध्यानस्थ करमेती जी विराज, अब तो नहीं रहा गया, चिल्ला के रो पड़े, वृक्ष से नीचे उतर करके आए। पहले तो थोड़ी देर बैठे रहे कि शायद आंखें खुले, जब देखा आंखें ही नहीं खुले तो लिपट गए चरणों में। बहुत बड़े विद्वान भी हैं, भक्त भी हैं, पर भक्त की चरम अवस्था करमेती भाई की है। देखो एक टीस तो है, तुम बिटिया होके ऐसा कर दिए, भाग गई हमारी तो नाक कटवा ली तुमने, ससुराल के लोग सब आए थे गांव के, भाग गई लड़की, ये लोक में होता है ना, लोक में मतलब ये जो लोक व्यवहार है ये बड़ों बड़ों को ग्रसित कर लेता है, बड़ों बड़ों को, देखो इतने बड़े विद्वान हैं, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के संग से उसके अंदर ऐसी प्रेममय भक्ति जागृत हुई जो बेटी है, लेकिन पिता सब कुछ जानते हुए भी लोक का इतना प्रभाव है कि यद्यपि भक्ति को जानते हैं, भाव को जानते हैं, तभी तो चरणों में गिरे, पर कह रहे तुमने बहुत हमारी नाक कटवा दी, सब जो राजपुरोहित थे हमारी धाक थी, हमारे को चार लोग दंडवत करते थे, अब चार लोग बातें करते, नाक कटवा दी तुमने। उतरी के आए रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइए, चलो गृहवास करो लोक उपहास मिटे, सासु घर जाओ मत सेवा चित लाइए, को सिंह व्याघ्र अजू बपु को विनाश करे, त्रास मेरे होत फिरी मृतक जीवाइए, बोली कही सांच बिनु भक्ति तन ऐसो जानो, जो पे जियो चाहो करो प्रीति जस गाइए।
करमेती जी के पिता बट वृक्ष से उतर कर आए और करमेती जी के चरणों में लिपट गए। उन्होंने आंख खोली, देखा पिता, बोली बेटी ऐसे छिप कर भाग आना तुम्हारा, तुम जानते हो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जिधर से निकल इन्हीं की बेटी भाग गई, नाक कटवा ली आपने, मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रह गया, एक बार चलो तुम, संसार में मेरी हंसी हो रही, मेरी निंदा हो रही, तुम चलोगी तो शांत हो जाएगी, ससुराल मत जाना, घर में रहकर, घर में ठाकुर सेवा है, खूब ठाकुर सेवा करो, भजन करो। और बात समझो, ये वन है, कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है, सासू के यहां मत जाना, ससुराल मत जाना, हमारे यहां ही रहना, अपने घर में रहना, ठाकुर जी का भजन करना, पर यहां से चलो, तुम्हारी मां तो ऐसा लग रहा है नहीं जाओगी तो मर ही जाएगी, जीवन दान दो उनको, चलो। करमेती जी ने कहा, पिताजी सत्य कहा, सत्य कहा, जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है तो उसकी तो नाक कटी गई है, उसकी नाक है कहां, वो तो जीवित मुर्दे के समान, जिन हरि भगत हृदय ने यानी जीवित सौ समान थे, वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं। वो समझते थे कि बेटी है हमारे उपदेश का प्रभाव पड़ेगा, नहीं नहीं अब तो ऐसा रंग चढ़ गया, अब किसी का और रंग, इस श्याम सुंदर का रंग जिसके ऊपर चढ़ गया फिर कोई रंग नहीं चढ़ता, वैसे भी कारी कामर पर कोई दूसरा रंग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। आप जीवन चाहते हैं तो मैं जो कहती हूं करो, प्रभु का यशगान, प्रभु का नाम कीर्तन, ये बात छोड़ो, आप ऐसे भक्त होकर कि संसार में अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हृदय में जब प्रभु से अपनापन हो जाता है तो ठीक उत्तर देने में कोई भक्त कहीं भी नहीं हिचकिचाता। हिरण्यकश्यप से नहीं हिचकिचा रहे, 5 वर्ष के बालक है प्रह्लाद जी, परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं राजा का पुरोहित हूं, इतनी भारी प्रतिष्ठा समाज में है और तुम यहां भाग के चले आई हो, जानती हो हमारी क्या दशा हो गई है, किसके लिए रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं, बड़े विद्वान है, भगत है, किसके लिए रो रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए रो रहे हैं। मतलब आप देखो, जैसे घर परिवार के लोग होते हैं, आप बहुत सुख सुविधा सब दो तो फिर वो पूछते हैं, देखो तुम ठीक से रहा करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, सूक्ष्मता से बात पकड़ना। देखो इनको बहुत विद्वान हैं, भगत हैं, महापुरुष, हमारी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई, किसके लिए रो रहे हैं, किसके लिए पैर पड़ रहे हैं, बेटी आज मैं निहाल हो गया तुम्हारी जैसी बेटी पाके, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान इनको है, तुम भगवान की ऐसी भक्ता अब मुझे कोई परवाह नहीं, पर तुम्हारे शरीर को इस स्थिति में देखकर मुझे कष्ट हो रहा है कि तुम्हारे शरीर को ऐसी पीड़ा ना, कितनी सुकुमारता से पली, तो थोड़ी बात समझ में आवे कि चलो एक भी शब्द भय दिखा रहे कि व्याघ्र सिंह सप्त में खा जाएंगे, चलो तुम्हारी माता जीवित हो जाएगी, हमारी इज्जत बच जाएगी, यही हाल संसार का है, यही हाल है। कहीं तुम कटी नाक, कटे जो पे होए कहो, करवेती जी का तो नाक है ही नहीं तो कटी कह रही है, यही बात खास, ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है, कह रहे तुम कह रहे हो नाक कट गई, तुम्हें तो नाक ही नहीं थी तो कटी क्या, नाक जानते कैसे कहते, भगवान के प्रेम को नाक कहते, तुम्हारे है ही नहीं भगवत प्रेम, तुम्हें तो नाक कट गई, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदरता तन सो लपटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरत हु जग में प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार सुरेश ते कचुनाई घटी है, तुलसी क राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। अगर भक्ति नहीं है तो नक कटा तो वैसे ही हो, तुम्हारी नाक ही नहीं तो क्या तुम्हारी नाक कटेगी, कहीं तुम कटी नाक कटे जो पे होए कहूं, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए, बरस 50 लग विषय ही में वास कियो, तऊ ना उदास भय चबे को चबाइए। कैसा सुंदर उपदेश है,
देखे सब भोग मैं न देखे एक देखे श्याम, ताते तज काम तन सेवा में लगाइए, रात त्यो ज्यो प्रात होत ऐसे तम जात भयो, दयोलय स्वरूप प्रभु गयो ही आइए। करमेती बाई ने कहा कि आपने कहा मेरी नाक कट गई है, तो मुझे तो तुम्हारी नाक ही नहीं दिखाई दी अभी तक, तो कटेगी क्या, अर्थात तुम नाकवान हो ही नहीं। नाक कहते हैं भगवत प्रेम को, और वो तुम में दिखाई नहीं दिया। ये शुद्ध भक्ति की वाणी है, मोह ग्रसित नहीं है। तुमने प्रतिष्ठा को अपनी नाक समझा, जिसे हम नाक ही नहीं मानती हैं। प्रतिष्ठा कोई नाक है? नाक कट, नाक है भक्ति। तभी हम कहते हैं हमारी इज्जत है श्यामा श्याम, हमें कभी कोई बेइज्जत कर ही नहीं सकता। हमारी इज्जत शरीर थोड़ी है, हमारी इज्जत ये मान प्रतिष्ठा थोड़ी है, ये तो आज है कल निंदा होगी पक्का। रात है तो दिन होगा, दिन होगी तो रात होगी, ऐसे प्रशंसा है तो निंदा होगी, निंदा है तो प्रशंसा होगी, ये चक्र है। राजी मत हो जाना कि वाह वाह, नहीं तो रोते नहीं बनेगा। तैयार रहो, रात्रि आने वाली, प्रकाश की व्यवस्था कर लो। दिन में सावधान रहो, रात्रि आने वाली है, प्रकाश की व्यवस्था कर लो, तुम्हें रात्रि खटकेगी नहीं। पहले से समझ लो इसका कोई महत्व नहीं है, संसार का नमस्कार या तिरस्कार हमारे अंगूठे पे श्री जी की तरफ। अगर आपने संसार के नमस्कार को स्वीकार किया तो दहाड़ मार के इसी संसार के सामने घुटने टेक के रोना पड़ेगा। अगर आपने संसार का सम्मान नहीं स्वीकार किया तो अपमान तुम्हें छू नहीं सकेगा। और ये होगा बराबर महापुरुषों के जीवन में हुआ, कभी जय जय तो कभी कोई निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, मारने पीटने वाला भी भेजा जाएगा। ये माया का खेल है, तैयार रहो, दांव पेच पक्के रखो। गुरु मेहरवान, चेला पहलवान, कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय, उन्हीं से सुख का अनुभव, संसार से नहीं। करमेती जी ने कहा आपने प्रतिष्ठा को नाक समझा है, इसलिए हमने आपको नाकवान समझा ही नहीं है, तुम्हारी नाक थी ही नहीं। अच्छा आप विचार कीजिए, 50 वर्ष के आप हो गए भोगों को भोगती हुई, क्या आपको अरुचि हुई? अपने पिताजी से ही पूछ रहे, आज भी उसी विषय में आसक्त हो, चबाए हुए को चबा रहे हो, तुम्हें उस घर से वैराग्य नहीं हुआ, उस सम्मान से, उस प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ, बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और भोग रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान है? भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने वाला कोई ज्ञानी होता है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। करमेती बाई जी कह रहे हैं अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रह गई है, मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखने की ठानी है, भोगों को नहीं। आप कोई भी ऐसा नहीं कि मेरी दृष्टि को संसार की तरफ ले जाए, ये निष्ठा। जैसे रत्नावती जी ने कहा ये दृष्टि तो लाल बिहारी में बिक गई है, प्रणाम कर रहे होंगे तो लालजू को कर रहे हैं, अब ये दृष्टि नहीं। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए, तन मन और धन को ठाकुर सेवा में लगा दीजिए। बहुत समझाया बुझाया, करमेती बाई तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने प्रणाम किया करमेती बाई को। उनका जो मोह जनित ज्ञान था वो नष्ट हुआ। प्रातः काल होते ही अंधकार जब दूर हुआ तो वो तो घर को जाने को तैयार हुए। एक दिन यमुना स्नान करते हुए कृष्ण मूर्ति मिली थी करमेती बाई, उन्होंने वो मूर्ति लाकर छुपा दी थी, वो मूर्ति लाके दी और कहा इसे घर में विराजमान करो, साक्षात श्री कृष्ण है और इनकी सेवा में तन्मय हो, और जो मैं कह रहे हूं उस बात को ध्यान दो कि अब चबाए हुए को मत चबाओ, अर्थात निर्विषय बनो और अपने तन को मन को प्रभु के चरणारविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में अपना समय व्यतीत करो। उनके अंदर भी वैसा ही, वो मूर्ति प्राप्त करके जे ही सेवा में लगे तो करमेती बाई के दर्शन और उनकी कृपा से उनकी चित्त वृत्ति का मोह नष्ट हो गया, जो संसार की तरफ, अब वो तन्मय होने लगे। राज दरबार नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, आटो पैर प्रभु की सेवा में रहना। राजा ने जब प्रार्थना करवाई तो उन्होंने कहा अब एक दरबार हमें मिल गया, अब हम दूसरे के दरबार में नहीं जा सकते। वहीं से सब चलता था, साफ जवाब दे दिया। इतनी हिम्मत भक्त की ही होती है, दूसरे की नहीं होती। तो राजा नाराज नहीं हुआ, वो स्वयं चल के आया,
और जब देखा सेवा में मगन है, साष्टांग प्रणाम किया और कहा आपको कभी दरबार आने की जरूरत नहीं, समय से सेवा यहां पहुंच जाया करेगी। करमेति बाई प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने शरीर का वृंदावन में ही त्याग किया और नित्य सेवा में पहुंच। मैया सक्त मना पार्थ, ये भगवत आशक्ति, ऐसा भक्त समस्त योगियों में, ज्ञानियों में, तपस्वियों में, कर्मकांडियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो केवल प्रभु से प्यार करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है, केवल प्रभु का भरोसा है। यहां केवल शब्द पर, अनन्यता पर ध्यान दीजिए। एकमात्र एक, बहुत से जन्म अपने मनमानी में व्यतीत कर दिए, अब जितना बचा है उतना दे दो प्रभु को, ईमानदारी से दे दो। देख लो ना, ये भी खेल के देख लो, अलग अलग जुआ खेले हो, कभी पत्नी में पूरा जीवन, कभी धन में, कभी किसी नशा में, कभी और गंदे आचरणों, कई जन्म ऐसे चले गए हैं। एक जन्म, जितनी अवस्था अब आपकी है, जितनी में भी आप सुन रहे हो, इसे केवल प्रभु की अनन्यता में समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। देखो भगवान प्रारंभ में सत्संग कि अगर वो अंतिम समय भगवत स्मरण नहीं बनता तो मैं उसका, मतलब मेरी तो बात बन गई, अपने लोगों को सोचना है मेरी बात बन गई, अब तो भगवत आश्रय ही हमारा जीवन है। और ये तभी माना जाएगा आप भगवत आश्रित हो जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का गुण, प्रभु के धाम, ये जीवन की परम सार्थकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।